now. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से डिशवॉश टब जो होता है उसको हम एक ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक से आप देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगी किस तरह से उसे एक सिंपल से डिज़ाइन से उसे किस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह से उसे डेकोरेट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम उसे डेकोरेट करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे फर्स्ट ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये डिशवॉश टब जिसको हमें पेंट करना है, तो ये डिशवॉश टब है। फर्स्ट ब्रश चाहिए, एक चौड़ा और एक पतला। उसके बाद मैं इसमें फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो फैब्रिक कलर जो भी आपके पास कलर हो वो सब आप कलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास ये चार कलर है तो मैं इसको रखूँगी और एक कपड़ा ब्रश को उसमें साफ करने के लिए। तो फर्स्ट मैं डार्क रेड कलर है ये, तो मैं इसी से फर्स्ट तो पॉट को कलर कर दूंगी। तो चलिए पहले मैं पॉट को इस डार्क, ये थोड़ा सा ब्राउनिश है बट ये इसमें ब्राउनिश लग रहा है बट ये डार्क जो डार्क रेड कलर आता है ना वो है, तो इसको मैं इसी से अच्छे से कलर कर लेती हूँ। तो पूरे टब को पहले अच्छे से हम इस कलर से कलर कर लेंगे। इस तरह से टब को कलर करने के बाद इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसको ड्राई होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो डिशवॉश टब है इसको कलर करेंगे। तो इसको मैं डार्क ब्लैक कलर से करने वाली हूँ। तो इसको इसका जो बाहर वाला पोर्शन है उसको ब्लैक कलर से पूरा ब्लैक कर देंगे। अब हमें फर्स्ट तो हमने रेड कलर से किया था, तो अपने ब्रश को पहले कपड़े में साफ कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको मैं ब्लैक कलर से पूरा कर देती हूँ। जिस तरह से पहले वाला पॉट किया है उसी तरह से इसको भी पूरा ब्लैक कलर से कर देंगे। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। ये देखिए दोनों टब हमारे कलर हो गए और इसको हम ड्राई होने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं जो रेड कलर का मेरा जो पॉट है इस पर मैं ये वाइट कलर से इस तरह से राउंड राउंड सर्कल बना देंगे छोटा छोटा, क्योंकि इस पर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सबके सर्कल बना लेते हैं इसी तरह से। तो हमारा जो रेड वाला पॉट है अब वो तैयार हो गया है। ये देखिए देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अब ये हमारा ये पॉट तैयार हो गया कलर करके। अब हम ब्लैक वाले पॉट को करेंगे और ब्लैक वाले पॉट पे मैं जो सर्कल बनाऊंगी वो येलो कलर से बनाऊंगी। अगर आप एक डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो एक लाइट कलर यूज़ करिए। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद अब इसको हम येलो कलर से छोटे छोटे इस पर सर्कल्स बना देते हैं इस तरह से। पूरे पॉट पे हम बना के इसको तैयार कर लेते हैं।
तो इस तरह से देखिए ये मेरा ब्लैक वाला भी जो पॉट है वो भी तैयार हो गया। अब दोनों ही पॉट को मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी और ये देखिए दोनों ही पॉट देखने में कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी ये ड्राई होने के बाद इसमें सॉइल भरेंगे और उसमें हम अपना प्लांट लगा देंगे। तो चलिए जल्दी से इसमें प्लांट भी लगा के और इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो पॉट है अब ये तैयार हो गया है और ये अब देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हम सिंपल सिंपल डिज़ाइन से भी अपने पॉट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा जो डिशवॉश टब था अब वो लग ही नहीं रहा है, ये डिशवॉश टब है, अब ये एक तरह से फ्लावर पॉट बन गया है और ये देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कितने सारे डिशवॉश टब से बनाए हैं फ्लावर पॉट और आप इस पर अलग अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बट एक सिंपल सी डिज़ाइन थी जो मैंने आपको दिखाया। और इस तरह से जिस तरह मैंने पेंगुइन बना रखा है, स्माइली बना रखा है, पेपर पिग बना रखा है, तो इस तरह से आप भी बहुत कुछ उस पर बना के और अपना जो फ्लावर पॉट है उसको तैयार कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।